तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। पहला पाठ सैमुअल का पहला ग्रंथ अध्याय एक पद संख्या एक से चार, 11 से 12, 19 और 23 से 27 तक। साउल की मृत्यु के बाद दाऊद ने अमालेकियों को हराकर सिकलग में 2 दिन बिताए। तीसरे दिन साउल के शिविर से एक आदमी आया, उसके कपड़े फटे हुए थे और वह सिर पर मिट्टी डाले हुए था। उसने दाऊद के पास पहुंचने पर मुंह के बल गिरकर उसे दंडवत किया। दाऊद ने उससे कहा, कहां से आ रहे हो? उसने उत्तर दिया, मैं इसराइलियों के शिविर से भाग निकला हूं। दाऊद ने पूछा, क्या हुआ, मुझे बताओ? उसने कहा, सेना रणभूमि से भाग गई और बहुत से लोग मर गए। साउल और उसके पुत्र योनातान भी मर गए हैं। दाऊद ने अपने कपड़े लेकर फाड़ डाले और उसके साथ के सब लोगों ने ऐसा ही किया। वे विलाप करने और रोने लगे क्योंकि साउल उसका पुत्र योनातान और ईश्वर की प्रजा इसराइल का घराना ये सब तलवार के घाट उतार दिए गए और उन्होंने शाम तक उपवास किया। साउल इसराइल के गौरव पर्वत पर मारे गए। वीर योद्धा कैसे मारे गए? साउल और योनातान सौम्य और परम प्रिय जीवन में और मरण में भी अलग नहीं हुए। वह गुरुओं से भी अधिक दुर्तगामी थे, सिंहों से भी अधिक शक्तिशाली। इसराइल की पुत्रियों, साउल पर विलाप करो। वह तुम्हें सुंदर किरमिजी और शाल्टी पहनाते थे। वह तुम्हारे वस्त्र पर स्वर्ण आभूषण सजाते थे। वीर योद्धा युद्ध में कैसे मारे गए? हे योनातान, तुम युद्ध में खेत आए और पर्वत पर निर्जीव पड़े हुए हो। भाई योनातान, तुम्हारे कारण मेरा हृदय भारी है। मैं तुमको बहुत अधिक प्यार करता था। स्त्रियों के प्रेम की अपेक्षा तुम्हारा प्रेम मेरे लिए अधिक मूल्यवान था। वीर योद्धा कैसे मारे गए? युद्ध के अस्त्र शस्त्र कैसे नष्ट हुए? ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य, हे प्रभु हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। हे प्रभु हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। हे प्रभु तू इसराइल का चरवाहा है, तू यूसुफ की भेड़े चराता है, हमारी सुन। तू स्वर्गदूतों पर विराजमान है, इफ्राइम बेजामीन तथा मनसे पर दया दृष्टि कर। अपनी शक्ति को जगा और आकर हमें बचाने की कृपा कर। अनुवाक्य, हे प्रभु हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। हे विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर, तू कब तक अपनी प्रजा की प्रार्थना ठुकराता रहेगा? तूने उसे विलाप की रोटी खिलाई और उसे भरपूर आंसू पिलाए। हमारे पड़ोसी हम पर ताना मारते हैं, हमारे शत्रु हमारा उपहास करते हैं। अनुवाक्य, हे प्रभु हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। जय घोष, अलेलुया। अनुवाक्य, अलेलुया।
हे प्रभु हमारा हृदय खोल दे जिससे हम तेरे पुत्र की शिक्षा ग्रहण कर सके। अनुवाक्य हालेलुया। संत मरकुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 20 से 21 तक। यीशु घर लौटे और फिर इतनी भीड़ होने लगी कि उन लोगों को भोजन करने की भी फुर्सत नहीं रही। जब यीशु के संबंधियों ने सुना तो वे उनको बलपूर्वक ले जाने निकले, क्योंकि कहा जाता था और उन्हें अपनी शुद्ध बुद्ध नहीं रह गई। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रीस्त की जय।